पहला जो अक्यूज्ड व्यक्ति था जिसने इतनी निर्मम पूर्वक निर्ममता से जो है हत्या करी है उन दोनों बच्चों की, उसको पकड़ लिया है। क्योंकि बच्चे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के नहीं, बच्चे बच्चे होते हैं। तो मैं इस घटना से बहुत ही नाखुश हूं कि इस तरीके की घटना हमारे प्रदेश में हुई है, और दलों से भी अपेक्षा यही करती हूं कि इसको किसी तरीके से राजनीतिक मुद्दा न बनाए। प्रथम तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने जो है पहला जो अक्यूज्ड व्यक्ति था जिसने इतनी निर्मम पूर्वक निर्ममता से जो है हत्या करी है उन दोनों बच्चों की, उसको पकड़ लिया है। और दूसरे के लिए भी मैं यही कहूंगी और अपील करूंगी प्रदेश सरकार से कि वो जल्द ही करें इसमें, क्योंकि बच्चे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के नहीं, बच्चे बच्चे होते हैं। और इस पर किसी भी तरीके का मुझे नहीं लगता है कि ये किसी को भी अधिकार है कि किसी के भी बच्चों को मार दें इस तरह से। और समाज में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत बड़ा दर्पण है कि हमारे समाज में कितना ज्यादा आजकल जो है गुस्सा बढ़ रहा है लोगों में। तो मैं इस घटना से बहुत ही नाखुश हूँ। प्रधानमंत्री के मैसेज को समझें और इस प्रकार की जो ये घटनाक्रम हो रही है आपसी रंजिश की वजह से, आपसी वो, तो इसको किसी भी तरीके का, और दलों से भी अपेक्षा यही करती हूँ कि इसको किसी तरीके से राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस दोनों लगे हुए हैं। पहला पकड़ा गया, दूसरा जो है पकड़ा जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और जो है ये इसमें जस्टिस हो, यही मेरी अपील है। तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो है पहला जो अक्यूज्ड व्यक्ति था जिसने इतनी निर्मम पूर्वक निर्ममता से जो है हत्या करी है उन दोनों बच्चों की, उसको पकड़ लिया है। और दूसरे के लिए भी मैं यही कहूंगी और अपील करूंगी प्रदेश सरकार से कि वो जल्द ही करें इसमें, क्योंकि बच्चे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के नहीं, बच्चे बच्चे होते हैं। और इस पर किसी भी तरीके का मुझे नहीं लगता है कि ये किसी को भी अधिकार है कि किसी के भी बच्चों को मार दें इस तरह से। और समाज में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत बड़ा दर्पण है कि हमारे समाज में कितना ज्यादा आजकल जो है गुस्सा बढ़ रहा है लोगों में। तो मैं इस घटना से बहुत ही नाखुश हूँ। प्रधानमंत्री के मैसेज को समझें और इस प्रकार की जो ये घटनाक्रम हो रही है आपसी रंजिश की वजह से, आपसी वो, तो इसको किसी भी तरीके का, और दलों से भी अपेक्षा यही करती हूँ कि इसको किसी तरीके से राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस दोनों लगे हुए हैं। पहला पकड़ा गया, दूसरा जो है पकड़ा जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और जो है ये इसमें जस्टिस हो, यही मेरी अपील है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।